बारिश रुकने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर कम हो गया है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जिला अधिकारियों ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और दूसरी सुविधाओं के लिए पास की जमीन को समतल करना शुरू कर दिया है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, बाढ़ का पानी जैसे ही रिसीड करता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से हम लोग लेवलिंग का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी तर्ज पे हम लोगों को जो जो जमीनें हम मिलती जा रही हैं उस पे लेवलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। हम लोगों ने नैनी में भी है, परेड क्षेत्र में भी कर रहे हैं, अब जूसी क्षेत्र में भी हम लोग उतरने जा रहे हैं, वहाँ पर भी लेवलिंग कराएंगे और समय से लेवलिंग के कार्य को पूर्ण करा लेंगे। महाकुंभ 12 साल के बाद लगता है। इस बार ये 2025 में 14 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान इसमें 40 करोड़ लोगों की शिरकत करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।